नहीं ले, चुपचाप खाना खा। खाना नहीं खाएगा तो युवराज साहब हम पर चिल्लाएंगे। अगर तुम्हारे युवराज साहब को पता चल गया ना कि मैं जरा सी भी तकलीफ में हूँ तो वो तुम पे चिल्लाएंगे। तुमने देखा नहीं उन्हें कितनी फिक्र है मेरी? भले मुझे यहाँ बांध के रखा है लेकिन मेरा ख्याल भी तो रख रहे हैं वो। हाँ बांध के ख्याल रख रहे हैं ना। ये युवराज साहब भी अजीब है यार, एक तो बांध के भी रखा है और ख्याल रखने भी बोल रहे हैं। तुम्हें क्या पता मेरा युवराज से रिश्ता क्या है? मैं युवराज का डीके चाचू हूँ, चाचू का दोस्त ज्यादा। वो थोड़ा नाराज है मुझसे, अरे गलती मुझसे ही हुई थी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उसका गुस्सा अब तक ठंडा हो चुका होगा। ए भाई मेरी बात सुन, एक काम कर, तुम युवराज को फोन लगाओ, मुझे अभी इसी वक्त युवराज से बात करनी है। फोन करने को मना किया है? हाँ। और पिछले 5 दिन से हमें कोई फोन भी नहीं आया, हमें सिर्फ तुम पर नजर रखने को कहा है। ये इसका मुंह साफ करना यार, चल। अरे युवराज को फोन तो लगाओ। अरे मुझे युवराज से बात करनी है। अरे युवराज से बात कराओ मेरी यार। अरे भाई, अरे युवराज मेरे हाथ खोलो, खोलो। संध्या। अरे सुनी चाची, अच्छा हुआ आप आ गए, एक बार इधर आइए ना। ये देखिए मैं लिखने की कोशिश कर रही थी, आप एक बार मुझे बताइए ना मैंने ठीक लिखा है क्या। हाँ ये बस थोड़ा टेढ़ा है, ये सीधा कर दो ऐसे। एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा ये सब तो मुझे बाद में दिखाना, पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या है उस बॉक्स में? मैंने तुमसे कहा था ना कि नीरज के सामान का एक कुरियर आने वाला है, ये वही। अभी अभी मैनेजर लेकर आया है और मैं सबसे छुपा कर इधर लेकर आई। नीरज का सामान, देखो तो सही। रुको रुको रुको, आराम से। अगर किसी को पता चल गया कि हमने ये बॉक्स पहले खोल लिया तो बेचारे मैनेजर की नौकरी चली जाएगी। इसे हमें आराम से खोलना है, इसमें से तुम्हें जो रखना है रख लो, फिर अच्छे से बंद करके रख देंगे। वो तो ठीक है, लेकिन पहले इसे खोले तो सही। क्या पता चाची इसमें इसमें नीरज की कोई तस्वीर मिल जाए। चलो आओ उधर बैठ के खोलते। रुको रुको रुको, ये उसकी डायरी है, इसमें हर रोज वो कुछ ना कुछ तो लिखता ही था। बहुत चिढ़ाती थी मैं उसे, हमेशा डायरी के साथ ही बैठा रहता था। इससे किताबें हैं, बहुत बुक्स पढ़ता था। ये उसकी कुछ म्यूजिक सीडीज हैं। ये कुछ फैक्ट्री से पेपर्स हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या है इसमें। ये उसे कुछ कपड़े हैं। ये उसकी फेवरेट जैकेट। संध्या मैंने अंदर खोल के देख लिया है लेकिन कोई भी फोटो नहीं मिली, कोई आई कार्ड और पैन कार्ड भी नहीं जिसमें उसकी फोटो दिख सके। नहीं चाची, अब ठीक से देखिए ना, कोई फोटो तो कहीं होगी ना। संध्या सब तुम्हारे सामने है। अच्छा रुको रुको, ये किताबों में देखती हूँ, डायरी में देखती हूँ, शायद शायद कुछ निकल गया। अरे ये मेरे की फोटो। हाँ मुझे दिखाइए। चाची इसमें नीरज कौन है? ये जो छोटा लड़का है ना, ये नीरज है, कुछ 7-8 साल का होगा तब, और ये उसके माँ बाप है। लेकिन चाची ये तस्वीर तो क्या कर सकते हैं संध्या, इसके बाद की कोई फोटो ही नहीं है नीरज की। अच्छा देखो मैं डायरी चेक करती हूँ। कोई बात नहीं चाची, बचपन की है तो क्या हुआ, तस्वीर तो नीरज की है ना।
लिए यही काफी है, उसकी यादों को समेट कर रखने के लिए। संध्या, एक काम करते हैं, तुम्हें इसमें से जो भी सामान रखना है रख लो, बाकी मैं इसी बॉक्स में पैक करके वैसे के वैसे घर वालों को दे देती हूँ। नहीं चाची, ये चीजें उनको लौटाने की कोई जरूरत नहीं। आप इस बॉक्स में कुछ और रख दीजिए। उन लोगों के लिए न ये चीजें मायने रखती हैं, न नीरज की कोई याद, वो लोग तो इसे भी जला देंगे। लेकिन कि मेरे लिए तो नीरज की हर चीज कीमती है। आप इस बॉक्स में कुछ और रख दीजिए। ठीक है, मैं इस बॉक्स में कुछ और भर दूंगी। ठीक है, तुम सब रख लो, लेकिन ये डायरी देने से पहले मैं एक बार पढ़ना चाहूंगी। चाची, ऐसा क्या लिखा है इसमें? ये नीरज की पर्सनल डायरी है, इसमें वो सब कुछ लिखा करता था, क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, सब कुछ। मैं डायरी पढ़कर तुम्हें बता दूंगी कि इसमें क्या लिखा है। मैं एक बार देखूं चाची। काश मैं ये सब पढ़ पाती। जब तुम सामने थे तो तुम्हें देख नहीं सकती थी, और अब जब देख सकती हूँ तो। भगवान ने तुम्हें आंखें वापस दी हैं संध्या, और जिंदगी के हर इम्तिहान से गुजरने की हिम्मत भी। अपनी पढ़ाई लिखाई को एक नया इम्तिहान समझो। आई एम वेरी श्योर कि जल्द ही तुम खुद ये डायरी पढ़ पाओगे। चलो अभी आंसू पहुंचो, मैं डायरी पढ़कर तुम्हें बता दूंगी इसमें क्या लिखा है। मैं तेरे को रहने के लिए छत और खाने के लिए रोटी दूंगा, बदले में तू हमारा काम करेगा। मेरे को मत देख रहे, खा दुखा। माना किसने हम लोगों की धुलाई की, कोई कम नहीं, पर रघु दादा ने इसमें जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रखा है। इस साला गूंगा जब से आया, जब से खाए जा रहा है। मुझे नहीं लगता ये अपने धंधे के किसी काम आएगा। मुझे तो डाउट होता है ये अपनी बातें समझता भी है नहीं। देख देख कैसे पागल के जैसा बैठा है। कितनी बार कहा है मुझे फोन मत करना। एक मिनट, हाँ बोलो। कोई जरूरत नहीं है डीके चाचू को छोड़ने की, यही सजा है उनकी। नहीं, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है, तुम समझते क्यों नहीं हो? सरला चाची ने नाक में दम कर रखा है, अगर टीके चाचू को भी घर में आने दिया तो दोनों मिलकर जीना हराम कर देंगे हमारा। उन्हें वहीं फार्म हाउस में सड़ने दो। और हाँ, खबरदार जो मुझे बार बार फोन किया समझे, अगर बहुत परेशान करे तुम्हें तो जो मन में आए करो उनके साथ, आई डोंट केयर, बस मुझे फिर से फोन मत करना। इसका मतलब युवराज ने टीके को। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।